आज मैंने यूज़ किया है ये वाला लैक्मे का मूज फाउंडेशन। तो अगर आपको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता तो इस फाउंडेशन की हेल्प से आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं और किस तरीके से फ्लॉलेस बेस पा सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये मेकअप लुक। फ्रेंड, आज का ये वीडियो मैं एकदम नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये लाइट आपके लिए ओके है या और ज़्यादा ब्राइट लाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले फेस पर मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। यहाँ मैं रेवने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। तो इस प्राइमर को जब भी आप अप्लाई करते हैं तो एक टिप मैं आपको देने वाली हूँ, इस तरीके से प्रेस कीजिएगा, कभी इसको रब मत करना, अदरवाइज़ इसके पार्टिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और फाउंडेशन जब आप इसके ऊपर लगाएंगे वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद फेस की कलर करेक्शन, कंसीलर कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, एकदम बिगनर फ्रेंडली ये मेकअप है। तो मैंने यहाँ पर लैक्मे का मूज फाउंडेशन यूज़ किया है, शेड मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, ये मेरे एग्जैक्ट स्किन पर जाता है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बिगनर्स के लिए मस्ट है फाउंडेशन है। सबसे पहले फिंगर्स से आपको स्प्रेड कर लेना है, इसे ब्रश का यूज़ मत कीजिएगा, कवरेज नहीं मिलेगी। उसके बाद ये फाउंडेशन अलग अलग जगह पर सेपरेट हो जाता है, तो आपको इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करना है, बहुत इवनली ब्लेंड हो जाएगा, एकदम फ्लॉलेस लुक देगा आपको बहुत अच्छी वाली। तो ब्यूटी ब्लेंडर आपका डैम्प होना चाहिए, जो पानी में डालकर आप स्क्वीज़ कर लीजिए और ड्राई का यूज़ मत करना। एक मैंने कंसीलर यूज़ किया है मेबलिन का, ये थोड़ा मेरे स्किन से लाइट कंसीलर है, केवल मैं अपनी अंडर आई को ब्राइटन अप करने के लिए इसे यूज़ करूँगी और थोड़ा सा फोरहेड पे यूज़ करूँगी, दैट्स इट, इतना ही मैंने यूज़ किया है। बिगनर्स के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर सेम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है, मैं आज केवल इसी ब्यूटी ब्लेंडर से आपको पूरा फेस मेकअप करके दिखाऊँगी। तो इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है, दैट्स इट, इतना ही काम करना है। नेक्स्ट 925 लैक्मे का मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, ये फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट दोनों का मिक्सचर है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा लेकर मैं सेट कर ली हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल पाउडरी नहीं लग रहा, एकदम नेचुरल लाइट है ये, बिल्कुल बाहर की जो लाइट आ रही है उससे वीडियो शूट हो रही है और जो घर पे ट्यूब की लाइट होती है वो। नेक्स्ट मैंने ब्लशर के लिए यहाँ पर फॉरएवर 52 के ब्लशर में NYB का हाइलाइटर ऐड किया है, इससे क्या होता है आपका फेस बहुत अच्छी तरीके से शाइन देता है, देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा शाइनी लगने लगा है, तो ये मेकअप बहुत ज़्यादा शाइनी मेकअप में चेंज हो जाएगा पर ग्रीसी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का ये ब्लशर यूज़ किया है, इसमें थोड़ी सी स्पार्कल आते हैं, मतलब स्पार्कल ऐसे नहीं है जो आपके फेस पर दिखेंगे बट शाइन करता है। अब यहाँ पर ब्लशर एक गाल पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसको हटाने का हैक मैं आपको बताती हूँ कि आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट ले लेना है इसी ब्यूटी ब्लेंडर में, तब ब्लेंड करना है तो आपका ब्लशर अपने आप ही सेट होता जाएगा और कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने शुगर का सेटिंग स्प्रे अपने फेस पर अच्छी तरीके से डाल लिया और सेम सेटिंग स्प्रे ब्यूटी ब्लेंडर पर लगाने के बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। इसके बाद आप मेरा फेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हैक कितना ज़्यादा कमाल का है। इसको लगाने के बाद मेरा फेस एकदम लाइट जैसी मारने लगा है, जहाँ जहाँ मेरे फेस पर अपनी ट्यूबलाइट की जो लाइट्स पड़ रही हैं उसी वही वो जगह जो है फेस की शाइन करने लगी है। नेक्स्ट मैंने मास्क का ये ब्रो किट में से ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। एक बहुत अच्छा सा आई मेकअप बताती हूँ, ब्राउन और ब्लैक शेड लेना, एक फ्लफी ब्रश में इस तरीके से आउटर कॉर्नर पर लगा लेना। अगर आपको ये डिफ़िकल्टी होती है कि आउटर कॉर्नर पर फैल जाता है तो एक टेप लगा लेना साइड में और उसके बाद इस तरीके से ब्लेंड करना और उसके बाद इसी शेड को थोड़ा थोड़ा क्रीज पर भी लेते जाना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही आपको काम करना है। और ब्लैक और ब्राउन शेड मिक्स करना, अकेला ब्लैक शेड लगाओगे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ब्लेंड नहीं होगा, दोनों शेड को मिक्स करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरीके से ब्लेंड करते हुए अपनी क्रीज एरिया पर चले जाइए। नेक्स्ट आपको सिंपली अपनी आई शेडो पैलेट से गोल्डन शेड पिक करना है जिसमें थोड़ी सी शाइन होगी और इनर अपने हाफ हाइलाइट पर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, बहुत ईजी है पर आप देखेंगे आई मेकअप बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। दोनों आईलिड पर मैंने सेम तरीके से अप्लाई कर लिया है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से छोड़ देना, अदरवाइज़ मैं एक चीज़ और बताती हूँ, इस तरीके से आप ब्लेंड भी कर लेना लास्ट में एक ब्रश की हेल्प से। अब इसके ऊपर मैंने स्विस ब्यूटी का ये वाला ग्लिटर अप्लाई किया है और इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको केवल लेके इस तरीके से अपने आईलिड पर लगा लेना होता है, ये इतनी अच्छी शाइन देता है। तो कोई अगर बहुत अच्छा वाला आई मेकअप आपको करना है, हैवी आई मेकअप मतलब, तो आप इसे अप्लाई कर लेना बस।
उसके बाद मैंने कलर बार का यहाँ लाइनर यूज़ किया है। ये आजकल मेरा फेवरेट लाइनर है, बहुत अच्छा लाइनर है, क्योंकि जो इसकी टिप है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि वो एक बढ़िया सा प्रॉपर लाइनर क्रिएट कर देती है बिना किसी मेस के। उसके बाद मैंने शुगर का जेल लाइनर अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करके जो ब्राउन और ब्लैक शेड मैंने ऊपर अपने आईलिड पर अप्लाई किया था उसी को नीचे अप्लाई करके ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने आईलैशेस का यूज़ किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। आईलैशेस कैसे लगाते हैं सीखना है तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने जूस की लिपस्टिक यूज़ की है, बहुत अफोर्डेबल लिपस्टिक है बट लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अच्छी है और शेड मुझे इसका बहुत पसंद आया। सिंदूर लगाने के बाद इस लुक को मैंने कंप्लीट किया। हे इज़ द फाइनल लुक, आप देख सकते हैं फेस पर कैसी शाइन आ रही है, बिल्कुल लाइट जहाँ जहाँ मेरे फेस पर पड़ रही है वहाँ वहाँ मेरा फेस शाइनी ग्लोई दिखाई दे रहा है। कैसा लगा यह मेकअप? बहुत इजी सिंपल था, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।